मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में मेहुल श्रॉफ ने एक ऐसे वेस्ट से पेपर और क्लॉथ बना लिया है जो किसी और ने कभी नहीं सोचा, बनाना स्टेम यानी उसकी डंठल से। पर क्या ये क्लॉथ ड्यूरेबल है? क्या ये नॉर्मल पेपर की तरह यूज हो सकता है? और मेहुल ने ये कैसे बनाया? बनाना प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके ऑलमोस्ट हर पार्ट का कुछ ना कुछ यूज होता है, और बनाना स्टेम का भी यूज कई जगह किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बनाना स्टेम का जूस काफी बीमारियों से दूर रखने में हेल्प करता है, पर ये इतनी क्वांटिटी में होता है कि इसको कितना भी कंज्यूम कर ले ये खत्म नहीं होता और कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। और यहीं से आइडिया आया मेहुल श्रॉफ को। मैं बुरहानपुर का रहने वाला हूँ जहाँ पे केले की खेती 20,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा में की जाती है। बचपन से जब भी मैं खेतों से गुजारा करता था तब मैं देखा करता था कि केली कटने के बाद जो उसका स्टेम रहता है उसको वेस्ट की तरह देखा जाता है और इसकी जो मात्रा रहती है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो मेहुल ने बनाना स्टेम के बारे में रिसर्च की और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। मुझे पता चला कि बनाना प्लांट की जो लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट 9 महीने से साल भर की होती है। फ्रूट कटने के बाद जो स्टेम का यूसेज एज सच कुछ नहीं रहता। बाद में टेक्निकल एस्पेक्ट से समझ में ये आया कि उसके अंदर सेल्यूलोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है, नेचुरल फाइबर काफी ज्यादा पाया जाता है और उससे काफी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो मेहुल ने सोचा क्यों ना इन बनाना स्टेम्स को यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि एग्रो वेस्ट से बनेगा तो ये कभी भी वेस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मेहुल ने श्रॉफ इंडस्ट्रीज के नाम से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की। हम सबसे पहले स्टेम्स काटते हैं खेतों में जाके और ट्रैक्टर में लोड करके फैक्ट्री लाए जाते हैं। फैक्ट्री में लाने के बाद उसको कटर में 2 पीसों में कट करते हैं और उसके शीट्स महिलाओं के द्वारा निकाली जाती है और उसको अलग 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 मशीन्स के अंदर प्रोसेस करके उसमें से फाइबर निकाला जाता है। इस तरीके से हमें लॉन्ग फाइबर और शॉर्ट फाइबर मिलता है। इमीडिएटली उसको हम लोग सन ड्राई करवाते हैं ताकि ये सारे इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। Isn't that amazing? बनाना फाइबर से पेपर तो बनता ही है, ऑल्सो टिश्यूज भी बन जाते हैं जिसकी वजह से लाखों ट्रीज कटने से बच सकते हैं। कॉटन की जो खेती है स्पेशली क्लॉथ बनाने के लिए की जाती है, वेरस बनाना फाइबर के लिए हमें कोई स्पेशल खेती की या फिर अलग से पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इससे जो वेस्ट है वो भी यूटिलाइज होगा और वाटर फुटप्रिंट भी कम होगा। इस फाइबर के अंदर सेल्यूलोस काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये मटेरियल लिक्विड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स भी बनाए जाते हैं जो सिर्फ 200 डेज में डीकम्पोज हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आए ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके प्रोडक्ट हम मार्केट में अवेलेबल करवा सके और इससे वेस्ट रिड्यूस भी होगा, रीयूज भी होगा और हम एक नए इंडस्ट्री को बढ़ावा भी देंगे। मेहुल के इस इनिशिएटिव को बुरहानपुर के कलेक्टर ने भी काफी अप्रिशिएट किया। केले के बाय प्रोडक्ट, उसका तना, उसके पेडंकल, उसकी लीव्स, उस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए श्रॉफ इंडस्ट्री लगातार काम कर रही है। यदि हम लोग इसमें सक्सेस होते हैं तो निश्चित रूप से बुरहानपुर के किसानों के लिए ये एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया हो सकता है। श्रॉफ इंडस्ट्रीज बनाना फाइबर को एज अ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप पेपर या क्लॉथ इंडस्ट्री में हैं या फिर किसी को जानते हैं तो उसको इस वीडियो में टैग करें, और अगर आप श्रॉफ इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाना फाइबर के बारे में पता चले और लोग बनाना फाइबर से बने प्रोडक्ट्स को यूज करें। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बनाना फाइबर से बने प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो वेस्ट भी यूज होगा और ट्रीज का कटना भी कम होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।